بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा है। आपको मालूम है कि अब थोड़े ही दिनों के बाद बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना आने को है, जिसके बेशुमार फ़ज़ाइल, बरकतें और रहमतें अहादीस की किताबों में वारिद हुई है। बहुत सारी फजीलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों की, रमज़ान की, तरावी की, ज़कात की, शबे कदर को तलाश करने की, एतिकाफ़ की इरशाद फरमाई है। आज मुख्तसरन रोज़े के बारे में बात करनी है। सबसे पहली बात यह है कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, जानना चाहिए कि 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली। नबुवत मिलने के बाद भी 13 सालों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे और इस लंबे ज़माने में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत और तबलीग का काम अंजाम देते रहे। लेकिन उस वक्त सिर्फ दो ही हुक्म थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, दो ही काम करने थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक काम तो ये था कि लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलावे, एक अल्लाह की इबादत यानी तौहीद, और दूसरा काम ये था कि लोगों को भूतों की इबादत से और शिर्क से रोके। ये दो काम थे। जब नबुवत से 13 साल की जो उम्र है वो गुज़र चुकी, यानी तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल की हुई, उसके बाद शरीयत के अहकाम आना शुरू हो गए। शरीयत के अहकाम तो बहुत सारे हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज़ फ़र्ज़ हुई वो नमाज, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, वहाँ फिर शरीयत के दूसरे अहकाम नाजिल हुए, फ़र्ज़ हुए। शरीयत का मिजाज ये रहा कि सबसे ज़्यादा आसान जो इबादत थी उसका हुक्म पहले दिया, नमाज की आसान इबादत है दूसरी इबादतों के मुकाबले में तो उसका हुक्म पहले हुआ, उसके बाद ज़कात का हुक्म हुआ, क्योंकि नमाज बदनी इबादत है, ज़कात माली इबादत है, तो माली इबादत में ज़कात, उसके बाद रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ, क्योंकि रोज़े रखना दूसरी इबादतों के मुकाबले में नफ्स पर ज़्यादा भारी मालूम होता है, इसलिए रोज़ों का हुक्म बाद में नाजिल हुआ। और उसमें भी पहले सिर्फ एक ही रोज़ा फ़र्ज था साल भर में, और वो है 10वीं मुहर्रम का रोज़ा, जिसको हम आशूरा कहते हैं, यही रोज़ा फ़र्ज था। उसके बाद सन हिजरी 2 में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और ये 10 मुहर्रम का रोज़ा जो फ़र्ज़ था उसकी फ़र्जियत ख़त्म कर दी गई। अब रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्टेप बाई स्टेप अहकाम जारी किए। पहले ये हुक्म दिया कि जिसको रोज़ा रखना हो रोज़ा रखे और जिसको ना रखना हो वो फ़िदिया दे दे, यानी एक रोज़े के बदले में किसी फ़कीर को सुबह शाम खाना खिला दे, रोज़ा ना रखना हो तो ना रखे। उसके बाद जब कुछ लोगों को रोज़े की आदत हो गई, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो गई, तब जाकर 10 शाबान सन हिजरी 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के पूरे महीने के रोज़ों को कंपलसरी फ़र्ज़ कर दिया। क्या किसी को इख्तियार नहीं,
हर एक को रोज़े रखने हैं। हाँ, कोई बीमार हो, माजूर हो, मुसाफिर हो, उनको इजाज़त, बाकी तमाम तंदुरुस्त और गैर माजूरीन के लिए रोज़े रखना फ़र्ज़। तब से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो। आपको मालूम है कि इंसान जो है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी अल्लाह की मखलूकात तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली कोई मखलूक है वो इंसान। बल्कि दूसरी मखलूकात पर इंसान हुकूमत करता है। एक मामूली 6 फीट का इंसान, दुबला पतला इंसान, बड़े से बड़े हाथी को भी गले में रस्सी डालकर अपने कंट्रोल में कर लेता है। दूसरी तमाम मखलूकात को देखिए, वो खाना भी खाएंगे तो सर झुकाकर, लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है कि खाना भी खाएगा तो सर उठाकर। ये बुलंदी और ये इज्जत और ये मर्तबा अल्लाह ताला ने क्यों दिया? क्योंकि इंसान के अंदर एक ख़ास सिफत है, एक ख़ास कमाल की चीज़ है, और वो कौन सी चीज़ है कि इंसान अपने सरकश नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल, ये उसकी ख़ास सिफत है। जानवरों को देखिए, वो अपने नफ्स के पाबंद होते हैं, जब जी में आया खाया, जब जी में आया सो गए, जो नफ्स ने कहा कर गुजरे, लेकिन इंसान इस नफ्स को अपने कंट्रोल में करता है और वो काम नहीं करता जो नफ्स चाहता है, बल्कि नफ्स के पास वो काम करवाता है जो उसका रब चाहता है। ये एक सिफत ऐसी है जिसकी वजह से दूसरी तमाम मखलूकात पर इंसान को फौकियत हासिल, बुलंदी हासिल है, इज्जत हासिल। अब नफ्स जो है बड़ा सरकश है। कुरान करीम में 13वें पारे की शुरुआत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नकल फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन्नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अपने आप को पाकबाज नहीं कहता, मेरे साथ भी नफ्स लगा है, और नफ्स तो हमेशा बुराई का ही हुक्म देता है, लअम्मारतुम, बहुत ज़्यादा हुक्म देता है बुराई का, बहुत ज़्यादा बुराई के तकाजे करता है। अब ऐसे नफ्स के ऊपर कंट्रोल पाना, काबू पाना, ये वाकियतन हकीकतन कमाल की चीज़ है। इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। अब नफ्स पर कंट्रोल पाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि नफ्स के जो तकाजे हैं, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसको बिल्कुल पूरा न किया जाए। नफ्स तकाजा करता है कि भाई खाना खाओ, हम कहते हैं कि नहीं खाएंगे। नफ्स कहता है कि किसी की गिबत करे, बुराई करे, हम कहेंगे नहीं करेंगे। जब कोई घोड़ा या जानवर सरकश हो जावे तो उसका घास दाना बंद कर दो, उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। इसी तरह रमज़ान के महीने में हम अपने सरकश नफ्स का दाना पानी बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ठिकाने पर आ जाएगी। रोज़े का एक फ़ायदा ये है कि भूख और प्यास की वजह से नफ्स पर काबू हासिल होता है, कंट्रोल हासिल होता है। तो एक काम तो ये करें कि नफ्स के बिल्कुल खिलाफ काम करें। रोज़ाना 10 बजे चाय नाश्ते की आदत है, बेहतरीन से बेहतरीन नाश्ता करते थे, लेकिन अब रमज़ान में अगली जुमा से तकाजा करेगा नफ्स, हम कहेंगे कि खाना पानी नहीं मिलेगा। नफ्स पर कंट्रोल। दूसरा काम नफ्स पर कंट्रोल के लिए ये करना है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों का बोझ डाला जाए। कोई जानवर सरकश हो जावे तो एक तो उसका खाना पानी कम कर दो और ऊपर से उसके ऊपर बोझ बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक नरम हो जाएगा। तो एक तो नफ्स के लिए खाना पीना बंद करेंगे और इबादतों का बोझ बढ़ाएंगे रमज़ान के महीने में। पहले से 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ेगा, नफली नमाज भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, तस्बीह भी पढ़ेगा, तरह तरह की हर मौके की दुआएं भी पढ़ेगा, इबादतों का बोझ, तो नफ्स ऑटोमेटिक नरम हो जाएगी। 2 काम, ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी है नफ्स की, दूसरा इबादतों का बोझ डालना है, और तीसरा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करना है। क्योंकि ख्वाहिशात से रोकना और उसके तकाजों को पूरा न करना और इबादतों का बोझ डालना, ये तो तदबीरें हैं, लेकिन कोई भी तदबीर उसी वक्त काम कर सकती है जबकि अल्लाह की इजाज़त, अल्लाह की मदद। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मकौला है उसमें है, इल्ला मा रहिमा रब्बी, नफ्स तो सरकश है और बुराई का ही हुक्म करता है, नफ्स की शरारतों से वही बच सकता है जिस पर अल्लाह रहम करे। तो रमज़ान में ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआओं का अहतमाम करना है। ये रोज़े से 3 चीज़ें हमें हासिल होगी, नफ्स पर कंट्रोल,
नफ्स का ज़ोर टूटेगा और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खूब दुआएं करने वाले बने। ये उसका यानी रोज़े का रूहानी फ़ायदा है। और एक फ़लसफ़ा रोज़े के फ़र्ज़ करने में ये भी है, रोज़ों के फ़र्ज़ करने की एक वजह ये भी है कि आदमी मालदार है, मालो दौलत वाला है, कभी भूख और प्यास से उसको पाला नहीं पड़ा है, तो वो गरीबों और फ़कीरों की भूख की जो तकलीफ़ है उसको कैसे महसूस करेगा, जिसको कभी भूख से पाला ही ना पड़ा हो। वो फ़कीरों और गरीबों की भूख की तकलीफ़ को कैसे महसूस करेगा कि क्या हालत होती है। अब अल्लाह ताला ने मालदारों को भी हुक्म दिया कि तुम भी भूखे और प्यासे रहो, ताकि प्रैक्टिकली तौर पर तुमको भी पता चले कि भूख क्या होती है और प्यास की तकलीफ़ क्या होती है। यही मालदार जो लखपति है, बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से खाने और पीने से रुका हुआ है, उसकी औलाद जिसकी हर ख्वाहिश कोई आदमी पूरा करता है, लेकिन ये छोटी छोटी औलाद भी अल्लाह के हुक्म की वजह से खाने पीने से रुकी हुई है और भूख और प्यास की वजह से बिलबिलाती है, तब उस आदमी के दिल में एहसास पैदा होगा कि जो लोग हमेशा भूखे और प्यासे रहते हैं, जिनको कभी कभार खाना और पीना नसीब होता है, उनकी क्या हालत होती होगी। जब ये एहसास पैदा होगा तो गरीबों की गमखारी और गरीबों पर रहम करने का जज्बा इस आदमी के अंदर पैदा हो, प्रैक्टिकली जब महसूस होगा तो एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान को एहसास हो जाए कि गरीबी क्या है, भूख और प्यास की तकलीफ़ क्या है प्रैक्टिकली तौर पर, ताकि गरीबों के लिए उसका दिल नरम हो जाए, उसके दिल में रहमत के जज्बात पैदा हो जाए। तीसरी बात कि रोज़ों के दरमियान आदमी थोड़ी देर के लिए, यानी जब तक कि वो रोज़ेदार है वहाँ तक के लिए, फरिश्तों की सिफत इख्तियार करता है। फरिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं, न हम बिस्तरी का मसला है, न और कोई मशगला है, सिर्फ और सिर्फ इबादत। तो एक इंसान, एक ईमान वाला भी रमज़ान के महीने में पूरा दिन न खाता है, न पीता है, न हम बिस्तरी के तकाजे पूरा करता है, बल्कि इबादत ही इबादत में मशगूल रहता है, तो फरिश्तों के साथ मुशाबहत हो जाती है। चौथी बात कि 11 महीने तक खाता पीता आया है तिब्बी एतबार से, डॉक्टरी लाइन से, अब 11 महीने तक खाया है तो पेट के अंदर, मैदे के अंदर तरह तरह के फासिद मादे जमा होते हैं, रुतुबतें जमा हो जाती। भाई पानी की टंकी 5-6 महीने तक आप साफ नहीं करोगे तो अंदर क्या होगा, छोटे छोटे जीव भी होंगे, जीवड़े भी अंदर निकलेंगे, और गंदगी भी होगी, गुबार भी होगा, धूल भी होगा। अब उसको अच्छी तरह साफ करना है तो क्या करेंगे, पूरा पानी निकालो। अब 11 महीने तरह तरह की चीज़ें हमने खाई है, उसकी फासिद रुतुबतें पेट में जमा हुई है, अब शरीयत कहती है कि आप 14-15 घंटे तक न खाएंगे न पिएंगे, ताकि पेट की ये टंकी क्या हो जाए, ज़रा सूख जावे, तो अंदर जो जहरीले रुतुबात है वो ख़त्म हो जावे और तुमको तंदुरुस्ती और तवानाई मिले। सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफे का सबब है ये रोज़ा रखना। हाँ, तिब्बी लाइन से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, रूहानी एतबार से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और रोज़ेदार का खाना पीना सोना ये सब इबादत में शामिल है। सुबह में खा रहा है सेहरी की नीयत से, ये भी इबादत है, दिन में सो रहा है ये सोना भी उसके लिए इबादत है, इफ्तारी में खा पी रहा है ये खाना पीना भी उसके लिए अल्लाह ताला ने इबादत करार दी, बहुत सारी फजीलतें। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत के दिन, जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, पूरी कायनात परेशान हाल होगी, हश्र का मैदान होगा, तपती हुई धूप होगी, हर एक अपने आमाल के बकदर पसीने में डूबा होगा, तब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में बैठे होंगे, उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन दस्तरखान बिछाए जाएंगे और वो लोग खा रहे हों, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें खा रहे हों। दूसरे लोग पूछेंगे कि ये कैसे लोग हैं, हम अभी हमारे हिसाब किताब में फंसे हुए हैं और ये खाना खा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं। तब उनसे कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रोज़े रखा करते थे, और तुम वो हो जो दुनिया में अपने पेट भरा करते थे, रोज़े नहीं रखते थे। दूसरी एक रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए
अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करने की नीयत से रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। रमज़ान का महीना नेकियों का सीज़न है, उसमें हर नेकी का भाव बढ़ जाता है। आप कोई नफल इबादत करें तो फ़र्ज़ इबादत के बराबर सवाब मिलता है, और एक फ़र्ज़ अदा करें तो 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब मिलता है। रमज़ान का एक एक महीना, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। अपने वो काम जो ज़रूरी नहीं होते उनको रमज़ान में हम छोड़ दें, वो काम जो ज़रूरी नहीं होते, जो ज़रूरी है उसको तो हम करेंगे, कमाना, बीवी बच्चों की देखभाल, ये सब ज़रूरी वो तो करेंगे, लेकिन जो काम बिल्कुल फजूल है जिसका कोई फ़ायदा नहीं उसको ज़रा हम कट कर दें, इतना वक्त हम अच्छे कामों में लगा दें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यही रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान उतारा गया था। नहीं आता है किसी के पास, सीखे, वक्त फारिग करें। अब तो बहुत आसान तरीके हो गए हैं कुरान सीखने के भी, लेकिन अपना वक्त फारिग करके किसी की मन्नत समाजत करके उसको बिठावे और उसके पास कुरान सीखने की कोशिश कर। जिसको आता है, जो रोज़ाना पढ़ते हैं वो अपना डोज बढ़ा दें, रोज़ाना एक पारा पढ़ते थे अब तीन पारे पढ़ें ताकि तीन कुरान रमज़ान में ख़त्म, दो पढ़ते थे वो भी तीन कर दें, कोई पाव पारा पढ़ता था पूरा एक पारा कर दे, कम से कम रमज़ान के महीने में एक कुरान हमारा पूरा हो जाए। और आखिरी बात, एक हदीस मुस्तदरक हाकिम में है, ये हदीस अपने जहन में बिठा लें और हो सके तो उसको लिखकर घरों में अपने सामने लटका दे ताकि हर वक्त पूरे रमज़ान के महीने में एक याद दहानी हो जाए। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ला रहे थे खुतबा देने के लिए, जब पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा आपने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आपने कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा आपने कहा आमीन, जब खुतबे से फारिग हुए सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमने कुछ अनोखी चीज़ देखी, पहले कभी आप ऐसा नहीं करते थे, आपने आमीन 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 कहा, क्या बात है। अब ज़रा ध्यान से सुनो इस जुमले को, इस हदीस को लिख के अपने सामने लटका लो ताकि रमज़ान का महीना हमारा बेकार न जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मिंबर की तरफ जा रहा था तो जिब्राइल अमीन आए और मुझसे कहा कि अल्लाह के नबी मैं तीन बद्दुआएं करूँगा, आप तीनों पर आमीन कहो। देखो बद्दुआ जिब्राइल की कभी रद्द नहीं हो सकती और उस पर आमीन नबी की कभी रद्द नहीं हो सकती। जिसने नबी के दर से ठोकर खाई पूरी दुनिया मिलकर उसका बेड़ा पार नहीं कर सकती, इसको याद रखना। पहली सीढ़ी चल रहा था तो जिब्राइल ने दुआ की कि या अल्लाह हलाक और बर्बाद कर दे उस शख्स को, कान खोल के सुनना इसको, कि जो रमज़ान का महीना पावे और अल्लाह की इबादत के जरिए अपनी मगफिरत न करवावे। रमज़ान का महीना मिला फिर भी अल्लाह की इबादत नहीं की और अपनी मगफिरत नहीं करवाई। जिब्राइल कहते हैं कि नबी जी मैं उसके लिए बद्दुआ करता हूँ, नबी ने कहा आमीन। ये जुमला हमेशा याद रखे, लिख के रखे। अब बड़े अदब के साथ उन लोगों से कहूँगा कि रमज़ान का वो महीना जिसमें एक एक मिनट एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, हम उसमें अल्लाह को राज़ी करेंगे या आईपीएल वालों को राज़ी करेंगे या फिर सयाजी के ग्राउंड पर क्रिकेट वालों को राज़ी करेंगे। बड़े अफसोस की बात, क्यों हम जिब्राइल की बद्दुआ लें और क्यों नबी की बद्दुआ लें। ये क्रिकेट लाइफ टाइम है, ये तो चलता रहेगा, रमज़ान के बाद भी खेल लेंगे। एक एक मिनट, कुछ लोग यूँ कहते हैं कि हम तो तरावी के बाद खेलने जाएंगे, इधर नबी का फरमान ये है कि रमज़ान में शबे कदर को धूंधो, तो क्या हम सयाजी के ग्राउंड पर शबे कदर को धूंधेंगे। हम खुद इन महीनों की वक़ात को गिरा रहे हैं, घर आई हुई नेमतों को ठुकरा रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि कुछ बहाने करे, कुछ तूती फूती इबादत करे, मैं माफ़ कर दूँ, और हम चाहते हैं कि हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, खेल कूद तो वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये रमज़ान देखो हमारे साथ कितने साथी थे लेकिन रमज़ान उनको नसीब नहीं हुआ, चले गए। कौन गारंटी देता है कि इसके बाद वाले रमज़ान में हम इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लें।
मैं जिंदा रहूँगा, कौन गारंटी देता है? कितने साथी हमारे आरा के चले गए कब्रों। और ये वो महीना है कि तीन महीने पहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, वबल्लिगना रमजान, और रमज़ान का महीना हमें अता फरमा, उससे पहले मौत मत देना, और हमको बिन मांगे अगर महीना मिल रहा है तो हम ऐसी वाहियात में उसको बर्बाद ना करें। कुछ नहीं होता, पांच वक्त की नमाज, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ लें और वक्त पर सो जाए, वक्त पर सो जाओ। इस नियत से सोओगे कि मैं इसलिए जल्दी सोता हूँ ताकि सुबह में जल्दी उठूँ, तो पूरी रात का सोना इबादत ही इबादत है। ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे हम तस्बीह वगैरह लेकर घूमते रहे, जितना हुए उतना करें, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल वाहियात है, जिसमें शरीयत का बिल्कुल नाजायज़ का हुक्म है या जिसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये टूटी फूटी बातें हैं, रमज़ान के फजाइल से तो किताबें बड़ी हुई हैं और हर साल हम फजीलतें सुनते रहते हैं। फिर से आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने इसलिए दिया है, लाल लकुन तत्तकुन, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। और परहेजगार वो बनेगा जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करेगा। नफ्स तकाजा करता है कि चलो भाई खेलेंगे रात को, लेकिन हम कहेंगे कि एक महीने तक हम नहीं खेलेंगे। नफ्स तकाजा करता है कि फुला जगह बैठ के टाइम पास करेंगे, हम कहेंगे नहीं करेंगे, हम मस्जिद में बैठेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। ये तोती फूती बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह अच्छे अमल की तौफीक अता फरमावे, और आने वाले मेहमान की सही माने में कदरदानी करने की तौफीक अता फरमावे, और इस रमज़ान को हम सब की मगफिरत का ज़रिया और सबब बनावे। अल्लाह ताला के सुनने से ज़्यादा मुझे तौफीक। भाई दो बद्दुआ और हैं जो इकबाल चाचा याद दिला रहे हैं कि जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी थी और हमारे नबी ने आमीन कही। दूसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि अल्लाह हलाक और बर्बाद कर दे उस आदमी को जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पावे, बुढ़ापे की उम्र दोनों को या किसी एक को, फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना, यानी माँ बाप की खिदमत न करे बुढ़ापे में, उसको भी हलाक और बर्बाद कर दे। वो आदमी हलाक होकर रहेगा, कोई शक नहीं। जिब्राइल बद्दुआ करे और हमारे नबी आमीन कहे। और तीसरी सीढ़ी पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हलाक और बर्बाद कर दे उस आदमी को कि जिसके सामने तेरे नबी का नाम लिया जावे और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की